नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी एक बढ़िया खबर के बारे में। ये खबर सुनकर, देखकर, जानकर आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है, ये 100% बात है। चाहे आप साउथ इंडियन फैंस हो, नॉर्थ इंडियन फैंस हो, इंडिया के किसी भी कोने के हो, दुनिया के कहीं भी कोने से देख रहे हो इस वीडियो को, आपके चेहरे पे खुशी आने वाली, क्योंकि मुन्नी फिर वापस आने वाली है, भाईजान फिर वापस आने वाले हैं। पवन पुत्र भाईजान नाम है पजंगी भाईजान 2 फिल्म का, जिसे केवी विजेंद्र प्रसाद लिखने वाले हैं। अब इसमें एक बड़ी अपडेट आई है। दिसंबर 2021 में यह ऑफिशियल हो चुका था कि पजंगी भाईजान 2 आने वाली है, और सलमान खान ने इसकी पुष्टि खुद ऑफिशियल कर दी थी अपने बर्थडे के मौके पर। अब यहाँ पे अपडेट ये है कि क्या पजंगी भाईजान 2 पहले ही फिल्म जो थी पजंगी भाईजान 2015 में, उसका कंटिन्यूएशन होगा, यानी कि जहां पे फिल्म खत्म हुई है, जहां मुन्नी को छोड़ देते पाकिस्तान, उसके बाद फिल्म एंड होती है, क्या ये फिल्म वहीं से शुरुआत लेगी सेकेंड पार्ट, या फिर एकदम नई अलग से स्टोरी होगी। तो अभी ये अपडेट हुआ है या पता चला है कि केवी विजेंद्र प्रसाद जो इस फिल्म के राइटर है, उनका कहना है कि हाँ ये कंटिन्यूएशन होगी, मतलब जहां पे फिल्म खत्म हुई है पजंगी भाईजान की, वहीं से इस फिल्म का आगाज होगा। यानी कि ये खबर सुन के मुझे पता है आपके चेहरे पर जरूर खुशी आ गई होगी, चेहरा आपका खिल गया होगा। और चेहरा खिल गया होगा तो भैया इंतजार करिएगा, क्योंकि मई महीने से 2022 से इसकी राइटिंग पे वर्क करने वाले, स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं केवी विजेंद्र प्रसाद सर, और वहीं सलमान खान उसी बीच में टाइगर थी तो ऑफकोर्स उनकी हो गई है, कभी ईद कभी दिवाली और एक फिल्म जो है नो एंट्री सीक्वल, उस सबको खत्म करेंगे। यानी किसी भी हाल में सलमान खान इस फिल्म में काम करेंगे, या इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जो भी होगा 2023 में अब होगा। तो कितने एक्साइटेड हो आप जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। बाय।